नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर फरुखाबाद से, विरोधियों पर सीएम योगी का बड़ा हमला, अपराधियों के रहनुमाओं पर अब परेशानी हो रही है, उनको परेशानी भरप रही है। बुलडोजर चलने से परेशान हो रहे हैं अपराधियों के रहनुमा। अपराधियों की छाती पर बुलडोजर चल रहा है, उनके अंदर डर है कि यह बुलडोजर उनकी ओर ना चल जाए। 2017 से पहले यूपी में भय का माहौल था, लेकिन आज प्रदेश में हर वर्ग के लोग सुरक्षित हैं, सीएम योगी ने कहा। देखिए, माफियाओं के खिलाफ में लगातार कार्रवाई हो रही है। अतीक अहमद के गुर्गे, अतीक अहमद की खुद की अवैध संपत्तियों पर लगातार पीला पंजा चल रहा है, और इसी को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा है निशाना। विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 तक प्रदेश की जनता डर के माहौल में रह रही थी, लेकिन आज हर वर्ग सुरक्षित है। अपराधियों के रहनुमाओं को अब परेशानी हो रही है, बुलडोजर चलने से परेशान हो रहे हैं अपराधियों के रहनुमा, और उन्हें डर लग रहा है। अपराधियों की छाती पर बुलडोजर चल रहा है, कहीं ये हमारी ओर ना आ जाए। फरुखाबाद में विरोधियों पर जमकर बरसे हैं सीएम योगी। बुलडोजर चलने से परेशान हो रहे हैं अपराधियों के रहनुमा, यहां तक कि उनके हालात ऐसे हो गए हैं कि अब उनको डर लग रहा है। सीएम योगी का ये वार विरोधियों पर। और आज जब इन माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं, तो अपराधी तो भागा हुआ है, लेकिन उनके रहनुमाओं को परेशानी हो रही है। आज परेशानी उनको हो रही है, उनको परेशानी तब नहीं होती थी जब किसी गरीब और किसी व्यापारी, किसी सामान्य नागरिक की जमीन पर कोई माफिया और कोई अपराधी कब्जा करता था। उनको परेशानी तब हो रही है जब अपराधी और माफियाओं से एक गरीब और एक किसान की संपत्ति को मुक्त कराया जा रहा है, एक व्यापारी की संपत्ति को जब किसी माफिया से मुक्त कराया जा रहा है, जब किसी सार्वजनिक संपत्ति को किसी भू माफिया से मुक्त कराया जा रहा है, तो फिर इन माफिया और इन पेशेवर अपराधियों के रहनुमाओं को आज बुरा लग रहा है। आज इनमें छटपटाहट है, और छटपटाहट इस बात की कि इनके जो गुर्गे हैं, वे गुर्गे या तो आज जान की भीख मांगते हुए घूमते हुए फिर रहे हैं, या फिर उनके गुर्गों के छाती में जब सरकार का बुलडोजर चल रहा है, तो उनके अंदर स्वयं भी भय है कि कहीं ये बुलडोजर उनकी ओर न घूम जाए। 2017 के पहले लोग घर के बाहर निकलने में डरते थे, बेटियों को स्कूल भेजने में डरते थे, हर जगह भय और आतंक का माहौल होता था। आज एक सामान्य नागरिक निर्भीक होकर के किसी भी समय घर के बाहर भी जा सकता, बेटी और बहनें भी स्कूल जा सकती हैं, अपने सर्विस में जा सकती हैं, बाजार जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हां, भय और आतंक किसी के अंदर समाया हुआ है तो जो अपराधी थे, माफिया हैं, गैंगस्टर हैं, जिन्होंने समाज को लूटा है, प्रदेश के धन को बंदर बांट करने का प्रयास किया है, वे लोग आज भयभीत हैं, आज गले में तख्ती लटकाए घूम रहे हैं, प्रदेश के अंदर शरण पाने के लिए फरियाद कर रहे हैं। लेकिन आज प्रदेश के अंदर एक संकल्प के साथ सरकारें चल रही हैं। पहले गरीबों के, व्यापारियों की जमीनों पर माफिया कब्जा करते थे, और आज जब इन माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं, तो अपराधी तो भागा हुआ है, लेकिन उनके रहनुमाओं को परेशानी हो रही है। आज परेशानी उनको हो रही है, उनको परेशानी तब नहीं होती थी जब किसी गरीब और किसी व्यापारी, किसी सामान्य नागरिक की जमीन पर कोई माफिया और कोई अपराधी कब्जा करता था।